हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आलू बेनिफिट्स। आलू का उपयोग वैसे तो हर घर में सब्जी के रूप में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग चेहरे की निखार के लिए भी किया जा सकता है? आज हम आपको आलू के रस से चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे और डार्क सर्कल को हटाने का तरीका बताएंगे। अगर आपके चेहरे पर भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आज से ही आप आलू के रस का उपयोग करें। आपको बता दें कि आलू में आयरन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन ए, बी और सी होते हैं, जो चेहरे के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आपके चेहरे पर भी दाग धब्बे और डार्क सर्कल है तो आज से ही आप आलू का उपयोग शुरू कर दें। आलू का उपयोग करने के लिए आपको आलू के छिलके को पीसना है और फिर इसे चेहरे पर लगाकर हल्की हल्की मसाज करना है। इसे कुछ समय रहने दें और इसके बाद पानी से चेहरे को धो लें। इससे आपके चेहरे के काले दाग धब्बे साफ होते नजर आएंगे। आलू के रस का उपयोग करने से आपकी त्वचा जवान नजर आएगी। इसके लिए आप आलू के रस में करीब 2 चम्मच दूध मिलाएं और इसे घोल लें। फिर इसे रुई या कपड़े की सहायता से अपने चेहरे से लेकर गर्दन तक लगाएं। करीब आधे घंटे तक इसे रहने दें। इसके बाद पानी से चेहरा धो लें। इस प्रकार का मिश्रण सप्ताह में 2 बार लगाएं। इससे आपकी त्वचा निखरेगी। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां हैं तो आलू का रस आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। आप चेहरे पर आलू का रस लगाएं और करीब 20 मिनट तक रहने दें। फिर इसे पानी से धो लें। आपको चेहरे पर होने वाली झुर्रियां खत्म हो जाएगी। आलू के रस में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके चेहरे से टैनिंग को हटाकर त्वचा को निखारते हैं। इसके लिए आप आलू के रस में नींबू का रस भी मिलाएं और इसे चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी त्वचा दमकती हुई नजर आएगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आलू का रस लगाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे चेहरे में निखार आएगा और आपकी त्वचा दमकती नजर आएगी। इसके लिए आलू के रस में 1 चम्मच दही मिलाएं और इसे पेस्ट की तरह चेहरे से गर्दन तक लगाएं। करीब 20 मिनट तक इसको रहने दें और फिर पानी से धो लें। अगर आपको मेरा ये टिप्स अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। सो थैंक यू।